वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हम पर लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल, देखिए पंजाब जिस समय ये समझौता किया गया था 96-97 में अकाली बीजेपी गठबंधन हुआ, ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं था। ये समझौता पंजाब की यथास्थिति को सामने रख के, पंजाब काले दौर में से गुजरा था, टेररिज्म के वो आप काले दिन याद करिए, करीबन 25,000 निर्दोष पंजाबियों ने अपनी जान गंवाई उस काले दौर के अंदर, और पाकिस्तान का भरपूर प्रयास उस समय चरम सीमा पे था, आज भी ख़त्म नहीं हुआ। कि यहाँ पे पंजाब की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मजबूती जो है, पंजाबियों के हौसले, पंजाबियों की ताकत, पंजाबियों का धैर्य अपने आप में कोई इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सबसे बड़ी मजबूती मैं समझता हूँ हमारा जो भाईचारक सांझ है, कम्युनल एमिटी, सर्वसांझी वालता की जो घूंटी हमें गुरु साहिबान दे के गए हैं। बाबा नानक जी का मैं समझता हूँ मूल मंत्र था, मानस की जात सब एको पहचानवे। तो यहाँ पे धर्म के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे पहचान कभी नहीं हुई, हमेशा यहाँ पे गुरु साहब के चरणों पे चलते हुए, सीख पे चलते हुए लोगों का था। उसको तोड़ने का प्रयास जो कर किया जा रहा था, पाकिस्तान के नापाक इरादे थे उनको खत्म करने के लिए, टू निप दैट ईवल इन द बड, या जैसे चाणक्य नीति थी उसको जड़ से निकालने के लिए, तब वो समझौता पंजाब की भाईचारक सांझ को रख के किया गया था। और अदरवाइज अकेले लड़ने की बात करते हैं तो बीजेपी आज सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सर। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए अकेले लड़ना या बिना किसी के साथ लड़ना ये कोई मायने नहीं रखता। और ये बात मैं आपके जरिए देश की जनता को बताना चाहूँगा, ये हो सकता है कि हम 117 हमारी लोक विधानसभा की सीट्स हैं, 23 हम लड़ते थे इस गठबंधन के, अकाली गठबंधन और बीजेपी जो गठबंधन था उसमें 23 सीट बीजेपी लड़ती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 94 सीटें थी वहाँ पे बीजेपी नहीं थी, बीजेपी का संगठन नहीं था, परंतु बीजेपी के साथ में, बीजेपी के हम ख्याल, बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाले, बीजेपी के प्रशंसक, उस आइडियोलो से जुड़े हुए लोग तो पंजाब के, क्योंकि आप ग्राउंड पर इतने लंबे समय तक रहे हैं तो क्या वजह आपको रही? हालांकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगी, आज के लिहाज से बात कर लेती हूँ, क्योंकि नारा दिया गया है 400 पार, और पंजाब में बंपर जीत के बिना ये नारा पूरा तो हो नहीं सकता। सवाल यही है कि पिछली बार अकाली दल से गठबंधन था और उसके बाद 2 सीट मिल पाई, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, तैयारी कैसी है और अकेले अपने दम पर कैसे लड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक जमीन पंजाब में सीमित रही है। देखिए जब इलेक्शन, आप 2022 इलेक्शन की, विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं या लोकसभा की? लोकसभा चुनाव की बात। लोकसभा में हमने देखिए हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमने 3 सीट तो सीट कंटेस्ट की थी, 2 हमने जीती है, हमने तो सीट 3 कंटेस्ट की थी, तो उनमें से हम 2 जीते हैं। अगर वही आप रेशो लगा लें बिना दमखम के, बिना जोश के भी लगा लें, तो उसमें हम कहाँ जाके, आप देख लीजिए 66% स्ट्राइक रेट हमारा। तो ये कोई मायना नहीं है, आप अतीत में या पीछे जाके देखना, जैसे आपने खुद कहा, मैं समझता हूँ आज के दिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए बीजेपी इज वेरी वेल प्लेस्ड। इनफैक्ट लोग मेरे से पूछते हैं कितने सीटें आप आंकते हैं, यहाँ पे भगवंत मान जी ने एक मजाक बना रखा है 13-0 ये हर जगह करते फिरते हैं। मैं इस किस्म की प्रेडिक्शन में कभी भी मैंने यकीन नहीं किया, मेरा मानना है रिजल्ट्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड।